जनपद रुद्रप्रयाग के गुप्त काशी व सोनप्रयाग क्षेत्र में कुछ गांव में बीते दिनों आपत्तिजनक वोट लगाए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले के तूल पकड़ता देख पुलिस हरकत में आई है। पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग ने इस मामले का संज्ञान लेकर जनपद के सभी थाना प्रभारियों को विवादित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने, शांति सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने और आपत्तिजनक बोर्ड को हटवाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस उपाधीक्षक प्रबोध कुमार घिल्डियाल ने कहा कि जनपद पुलिस के स्तर से स्थानीय लोगों व ग्रामीणों से बात कर 6 गांवों में लगे बूट को हटवा दिया गया है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। संज्ञान में आ रहा है गुप्तकाशी कोतवाली क्षेत्र एरिया है, ये 6 जगह पे बोर्ड लगे हुए थे और ये चूंकि आपत्तिजनक थे और इनको हम जब हमारे संज्ञान में ये बात आई है तो हमने इन बोर्डों को हटाने के लिए अपने जो है कर्मचारियों को भेजा है। और दूसरी चीज़ जो वहाँ के लोकल स्तर पर जो उनको जो वहाँ के जनप्रतिनिधि थे, ग्राम प्रधान थे, हमारे जो थाना प्रहरी होते हैं उनके माध्यम से ये बिल्कुल क्लियर मैसेज दे दिया गया है कि ये किसी भी आपत्तिजनक स्तर से कोई आपत्तिजनक बोर्ड लगाने का अधिकारी नहीं है। जहाँ तक सत्यापन की बात आई है, पुलिस सत्यापन लगातार सत्यापन कर रही है और जैसे आपने कहा कि सुरक्षा की बात आ रही है क्योंकि हम लोग हमारा व्यवसायिक काम ही सुरक्षा है, पब्लिक की सुरक्षा है। अगर किस तरह से आपको कोई सूचना मिलती है या कोई व्यक्ति संदेह आपको लगता है किसी व्यक्ति संदिग्ध आपके गांव में आ रहा है तो उसकी 112 पे आप सूचना करें। लेकिन अपने आप से इस तरह से बोर्ड लगाना जो थोड़ा सा आपत्तिजनक हो वो ठीक नहीं है और मैं सभी आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील करूँगा कि सामाजिक सौहार्द बना रहे। जनपद गुप्ता की एक हमारी देवभूमि है, इस देवभूमि की पवित्रता बनी रहनी चाहिए और जो इस तरह से सुरक्षा की बात हो रही है आप निश्चिंत रहिए, पुलिस सुरक्षा के लिए ही नियुक्त की गई है, सुरक्षा के लिए हमारी जैसे जिम्मेदारी है, जो भी होगा हम इसमें कदम उठाएंगे। सत्यापन कार्रवाई लगातार चल रही है।